बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए हैं। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर पहले भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, पर एक बार फिर से वो अन्य चीजों को दोहराते नजर आए। उन्होंने एक बार कहा है कि रामचरितमानस जो है वो पोटासियम साइनाइड की तरह है, उनके अंदर कुछ चीजें हैं जो पोटासियम साइनाइड की तरह है। तो हम लोगों के बीच पहुंचे हैं और शिक्षा मंत्री के बयान के ऊपर प्रतिक्रिया लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि रामचरितमानस जो है पहले कहे थे कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, अब की बार साइनाइड कह दिया है, पोटासियम साइनाइड। देखिए, शिक्षा मंत्री बिहार के जिनके नाम से चंद्रशेखर जुड़ा हुआ है, अर्थात हमारे यहाँ भगवान शंकर जो चंद्र को धारण किए हैं, जिसका नाम ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन राजनीति में जब वो व्यक्ति जाते हैं और जनता दल के राजनीति में तुष्टिकरण का उनके माथे पर जब सवार होता है तो अपने नाम के अर्थ को भी निरर्थक करने वाले व्यक्ति हैं। वो मानसिक दिवालियापन है उनका, वो रांची जाने की स्थिति में है। जिनको अपने सनातन धर्म राम, उनकी मर्यादा, उन पर जो अनाप शनाप बयानबाजी कर और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अभी हाल के दिनों में भी उन्होंने विवादित ग्रंथ कहा है भगवान राम को। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने तो सबको जोड़ा है, समरसता के प्रतीक हैं, लेकिन उसी राम को आप गलत बोलते हैं। तो पूरा बिहार ने, पूरा देश शिक्षा मंत्री को के नाम पर एक तरह से थूक रहा है। और अभी जो उन्होंने सनाइट कहा है, भगवान तो तारणहार हैं, उसके लिए कोई विष की आवश्यकता नहीं है, किसी सनाइट की आवश्यकता नहीं है। जो राम का नाम लेता है वही बैतरणी पार कर जाता है, उनको यह ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनने का और बना के जो उन्होंने रखा है उनका भी समय पूरा हो गया है। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, सनाइट कहा है रामचरितमानस को, कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत कह रहा है। रामचरितमानस जो है ये हिंदुओं का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसको वाल्मीकि तुलसीदास ने लिखा है। और ऐसे ऐसे ग्रंथों का हम लोग जो है आचरण करते हैं, उनका जो है स्मरण करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में उन ग्रंथों का पूजा होता है और जहाँ भी हमारे गुरु शंकराचार्य जी जाते हैं, और रामचरितमानस के बिना सबसे अधूरा है। वैसे ग्रंथों को, श्लोक को इन्होंने सैलाइट करता है, पॉइजन करता है। ऐसे आदमी शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं है। कैसे इनको रखा गया है अपने पोस्ट पर? जिस पार्टी में है उस पार्टी का भी बहुत बड़ी गलतियां। मैं क्या क्या कहिएगा शिक्षा मंत्री को, क्या कहिएगा? शिक्षा मंत्री को पहले पूरी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिए कि रामचरितमानस क्या है। जो रामचरितमानस है, कितनी बड़ी ग्रंथ है, उनको इस चीज का जानकारी नहीं है। उनको, हमको लगता है कि कम से कम तीसरा क्लास से जो है, तीसरी क्लास से फिर से पढ़ाई प्रारंभ करनी चाहिए। और जो साइनाइड की बात कही है, उसके बारे में, साइनाइड क्या होता है, पोटेशियम साइनाइड क्या होता है, इसके बारे में उसको पूरी जानकारी लेना चाहिए, तब फिर ये उसको बयान देना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी चीज की पूरी जानकारी हो तो फिर बयान दीजिए सबों के समक्ष। क्या कह रहे हैं आप शिक्षा मंत्री को? क्या कहने का मतलब ये है कि वो जो शिक्षा जगत से भी जो जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उनका जो अपना विचार है वो बौद्धिक स्तर का होना चाहिए, और ये साइनाइड कहना हमको लगता कहीं से उचित नहीं है। अच्छा, धार्मिक ग्रंथ को लगातार शिक्षा मंत्री जो है वो विवादित कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि रामचरितमानस जो है वो विवादित ग्रंथ है, अब कह रहे हैं कि रामचरितमानस साइनाइड है, शिक्षा मंत्री कहे बिहार के, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसका? जो अनपढ़ खुद है वो क्या जवाब देगा? उसको क्या पता है रामचरितमानस क्या है? खाली डिग्री लेने से नहीं होता है, अध्ययन करना पड़ता है। अध्यात्म का कोई ज्ञान ही नहीं है मूर्ख को, शिक्षा मंत्री बनने से क्या होगा? सरकार में है, मंत्री पद पर, जिस भी पद पर रहे उससे क्या अंतर पड़ता है? जब आपके उप मुख्यमंत्री कितने विद्वान है, सरकार में रहने से क्या होगा? उसी कैबिनेट में क्या बोल रहे हैं? बोले कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जब उनको कोई ज्ञान ही नहीं है तो भगवान उनको बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि दे कि वो कैसे क्या करेंगे, शिक्षा मंत्री रहने से क्या हो जाएगा। चलिए, तो लोगों के बीच थे और शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार दूसरी बार दिए गए रामचरितमानस के ऊपर विवादित बयान पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो लोगों का कहना है कि उन्हें एक बार फिर से तीसरी क्लास से अपनी पढ़ाई को जो है प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि उनको रामचरितमानस के बारे में अभी तक कोई ज्ञान नहीं है।
और जिनको राम का ज्ञान नहीं है उनको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा लोगों का कहना था। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार दिए गए विवादित बयान पर जो भागलपुर की जनता है वो लगातार आक्रोशित नजर आ रही है और शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की भी मांग करते दिख रही है। भागलपुर से TV9 डिजिटल के लिए मैं शिवम।